मणिकर्णिका फिल्म में नजर आने वाली है कंगना रनौत, जिसका टीजर कुछ महीनों पहले रिलीज किया गया था, जो दर्शकों को बेहद ही पसंद आया। रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही कंगना रनौत के लिए ये फिल्म काफी ज्यादा बड़ी साबित होने वाली है। फिल्म 25 जनवरी 2019 को रिलीज की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर 18 दिसंबर को रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे क्रिश, जबकि मुख्य अदाकार इसमें कंगना रनौत हमें नजर आने वाली है। फिल्म काफी कंट्रोवर्शियल भी रह चुकी है। झांसी की रानी का किरदार मणिकर्णिका के रूप में काफी बखूबी निभा रही है कंगना रनौत। फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी के अलावा कंगना की बेहतरीन अदाकारी हमें देखने को मिलेगी। कंगना रनौत बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस है जो चुनिंदा स्क्रिप्ट पर ही काम करती है और अपने दम पर फिल्में चलाना उन्हें बखूबी आता है। फिल्म के टीजर में उनकी वीरता, उनके चेहरे पर झांसी की रानी का तेज साफ नजर आ रहा था। पीठ पर बच्चे को लिए कंगना काफी ज्यादा शानदार लग रही थी। झांसी की रानी भारतीय इतिहास का गर्व है। देखना दिलचस्प होगा कि इसको पर्दे पर मणिकर्णिका कैसे दिखाएंगी कंगना। यहाँ दोस्तों, इसका ट्रेलर 18 दिसंबर को हम सबके सामने आएगा, जो कि एक ऑफिशियल अपडेट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मणिकर्णिका एक बार फिर से क्या कंगना के लिए बड़ी फिल्म साबित होगी और कंगना एक बार फिर से बॉलीवुड में सबसे नंबर वन हीरोइन होने का दावा पेश करेगी? आपको क्या लगता है और क्या आपको मणिकर्णिका के ट्रेलर का इंतजार है, कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि बॉलीवुड की आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।